नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के एग्ज़ाम में हरियाणा जीके को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ है, अब उसका जो कारण है उसकी नोटिफिकेशन में छिपा हुआ है। नोटिफिकेशन में कहीं पर भी हरियाणा जीके का कोई भी जिक्र नहीं है, केवल जनरल स्टडीज़ का है और HSSC ने उसी पैटर्न के ऊपर पेपर को तैयार किया है। आज हम बात करेंगे आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है कैटेगरी नंबर 18, क्या उसके अंदर हरियाणा जीके आएगी, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट आते हैं कि सर अब हरियाणा जीके क्या HSSC के एग्ज़ाम में नहीं आएगी। तो दोस्तों बता देते हैं, केवल केवल हरियाणा पुलिस को छोड़कर सभी एग्ज़ाम में 25% हरियाणा जीके है, चाहे वो अब किसी भी लेवल की आए। भाई क्वेश्चन किसी तरीके से पूछा जाए, अधिनियम से पूछा जाए, एक्ट से पूछा जाए, बस वो हरियाणा जीके 25% आपकी रहेगी। देख लेते हैं भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी की, अब भाई आगे से जो भी आपका एग्ज़ाम हो, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन को ज़रूर देखें कि भाई उस सिलेबस के अंदर क्या मेंशन किया गया है, तो उसी के हिसाब से अपनी तैयारी रखें, उसी के लिए प्रिपेयर हों। शुरुआत करते हैं, आज हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2019 है, इसके बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम तो हो चुके हैं लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम बचा हुआ है, क्या उस पेपर में हरियाणा जीके आएगी, देख लेते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। भाई 2019 की ये नोटिफिकेशन है। इसके साथ में बता देते हैं, ग्राम सचिव और पटवारी और कनाल पटवारी का भी अभी साथ में ही बता रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर भी सेम एडवर्टाइजमेंट नंबर में सिलेबस लिखा हुआ है जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में है। अब इसकी तैयारी किस प्रकार करनी है, क्योंकि अब हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम जो 12th पास के लिए जो पेपर था, अब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर की कैसे तैयारी करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिलेबस पढ़ाया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती हैं, इन सब से रिलेटेड 4 से 5 क्लास अभी हो चुकी हैं, 5 से 6 क्लास और होंगी जो कि अभी लेट चल रही हैं, कल से क्लास आपकी रेगुलर हो जाएंगी। नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ें भाई क्या आपका सिलेबस है और क्या आपकी पोस्ट हैं, तो इसके पेज नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। भाई पेज नंबर 20 के ऊपर इसके पहले तो हम पोस्ट के बारे में देख लेते हैं कि भाई पोस्ट कौन सी है, भाई पोस्ट के अंदर कितनी भाई आपकी वैकेंसी हैं। अब 20 के ऊपर चलते हैं, देखिए इनको रीएडवर्टाइज किया गया, ये 433 पोस्ट हो चुके हैं भाई सब इंस्पेक्टर जनरल की, 433 आपकी पोस्ट हैं। और इसके बाद हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर 24 के ऊपर भाई ये आ गया भाई आपका सिलेबस। सिलेबस देख लो भाई, द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन एग्जामिनेशन एंड द सिलेबस, रिटन एग्जाम 90 नंबर का होगा, 100-100 क्राइटेरिया 10 नंबर का होगा। अब इसके अंदर देखिए भाई 90% के अंदर क्या होगा भाई, 75% वेटेज फॉर द जर्नल अवेयरनेस, पहले तो पॉइंट नंबर बी पढ़ो भाई, 25% वेटेज फॉर द हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन्वायरमेंट, कल्चर ऑफ द हरियाणा, यानी कि हरियाणा से रिलेटेड यानी कि 25% आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हरियाणा पुलिस के अंदर ये कहीं पे मेंशन नहीं था, वहाँ पे केवल जर्नल स्टडीज़ था। अब इसके ऊपर कोई केस नहीं बनता कि हम HSSC के ऊपर केस कर दें 25% का, क्योंकि हमें पता है कि HSSC आज तक तो पूछता था लेकिन आज के टाइम नहीं पूछ रहा भाई हरियाणा जीके, तो उसमें हम उसको भाई ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने पिछले पेपर में पूछी और अब की बार नहीं पूछी, ब्लेम कर सकते थे लेकिन कब, जब नोटिफिकेशन के अंदर कुछ होता तब हम उसको ब्लेम कर सकते थे। अब देख लो भाई ये सिलेबस, देखो भाई पहले इसके ऊपर ध्यान देते हैं, 25% तो हरियाणा जी की आएगी भाई, बिल्कुल आएगी, चाहे वो किसी भी लेवल की आए, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी, भाई हरियाणा के अंदर कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप देखिए हरियाणा जीके में ये मत समझिए कि भाई आपके पास ये पूछे जाएंगे, तहसील पूछी जाएंगी, या फिर क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी किस प्रकार काम करती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम क्या है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसकी धाराएँ पूछी जा सकती हैं। तो वो ये मत समझिए कि भाई वो अलग से क्वेश्चन होंगे, वो 25% के अंदर ही ऐड होंगे क्योंकि वो हरियाणा के क्वेश्चन हैं। अगर आपको स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ना है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, 4 से 5 क्लास हुई हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की क्लास कल से स्टार्ट हो जाएंगी, चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे लगातार आपकी अभी क्लासेस चलेंगी। 75% भाई क्या है, जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, कंसर्न फॉर द रेलिवेंट सब्जेक्ट एज दी एप्लीकेबल। जर्नल अवेयरनेस के अंदर भाई कहीं तक की भी वर्ल्ड लेवल की भी जीके पूछी जा सकती है जर्नल अवेयरनेस के अंदर। भाई रीजनिंग
आपकी आती है 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं आजकल, मैथ के क्वेश्चन आते हैं, ये जर्नल साइंस है भाई। जर्नल साइंस के अंदर कितना भी हाई लेवल पूछा जा सकता है, कोई मेंशन नहीं है। कंप्यूटर कितना भी हाई लेवल का, हिंदी इंग्लिश है। अब ये मत समझिए कि देखिए, अब ये 75% में कल ये मत कह देना कि सर मैथ नहीं आया पेपर के अंदर, तो इन्होंने लिख रखा था, इन्होंने लिख रखा है कि 75% के अंदर ये सब चीज़ें आ सकती हैं। इसमें कई बार जनरल अवेयरनेस ज़्यादा हो जाती है, कई बार रीजनिंग ज़्यादा हो जाती है, यानी कि सभी को मिलाकर 75% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो एक सब्जेक्ट से पूछ लीजिए। कंप्यूटर के क्वेश्चन को कल को ख़त्म भी कर दे, साइंस के क्वेश्चन को ख़त्म भी कर दे, क्या पता मैथ और रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले, तो हम ये नहीं कह सकते। कहने का मतलब ये है कि जो भी ये 75% लिखा हुआ है, ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, इन सबको मिलाकर 75% पूछे जाएंगे। ये बात समझ में आपको आनी चाहिए। जर्नल अवेयरनेस भी लिख रखी है। अब ये जर्नल अवेयरनेस के अंदर हरियाणा की जर्नल अवेयरनेस भी हो सकती है भाई, हरियाणा जीके के 30 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो ये आप अच्छे से मेंशन करें। कल को हिंदी नहीं पूछता, आप कहेंगे कि सर हिंदी नहीं पूछी, पीछे तो पूछता था, नहीं ऐसा कहीं नहीं लिख रखा है कि भाई हिंदी पूछनी है। ये सब एक जर्नल स्टडीज़ का पार्ट है, यानी कि नॉर्मल एप्टीट्यूड का पार्ट है। इससे कुछ पोर्शन ज़्यादा भी आ सकता है, कुछ पोर्शन कम भी आ सकता है, इन सब के बारे में ये आपका टोटल सिलेबस है। इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है और नॉर्मल अपनी तैयारी रखें वैसी जैसी चल रही है। अब वर्ल्ड जीके और पॉलिटी को ज़्यादा पढ़ें भाई, पॉलिटी के ऊपर ज़्यादा पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी का पॉलिटी के अंदर, संविधान के अंदर भाई कहाँ पे जिक्र है, उसके लिए कौन कौन से एक्ट हैं, अनुच्छेद हैं, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, नीचे आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। क्लियर भाई? अब देखिए, अब आते हैं ग्राम सीयू के ऊपर। ग्राम सीयू के ऊपर सेम एज इट इज लिख रखा है, सिलेबस सेम एज इट इज जो लिख रखा है, ये ग्राम सीयू का है, सेम ये पटवारी का है, सेम ये ग्रेजुएशन वालों के लिए तो ठीक है, 12th पास के लिए ये आपका सिलेबस है। तो इसकी भाई कहीं से मार्केट से कोई बुक लेंगे, हिस्ट्री की लेंगे, करंट अफेयर की लेंगे, इसी तरीके से अपनी वही सब तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि फरवरी के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब ने बताया भाई। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर भाई? अब हमारी क्लासेज होंगी, ग्राम सीयू की आज क्लास होगी। और ग्राम सीयू के लिए अगर आपको स्पेशल सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, जैसे कि भाई पंचायती राज की 280 धाराएँ चाहिए, साथ में धाराओं की कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, भूमि रिकॉर्ड पटवारी के लिए स्पेशल सब्जेक्ट भूमि रिकॉर्ड चाहिए, नहरी पटवारी के लिए नहरों का डाटा चाहिए, तो इन सब की एक कंप्लीट PDF बनाई गई है, और नीचे आपको एक नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें और आपको वहाँ पर वो PDF मिल जाएगी। आपकी 70 रुपये की वहाँ पे पेमेंट रखी गई है, उसी से आप यानी कि पढ़ें। और आपके जनवरी के पेपर में वहाँ से 15 से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, अब की बार भी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएं, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज ज़्यादा क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। चलो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और अपने दोस्तों को भी बताओ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए यहाँ पर स्पेशल सब्जेक्ट की क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं भाई। ठीक है भाई, चलो भाई, धन्यवाद।